खबर हल्द्वानी से है, जहां जिलाधिकारी वंदना सिंह ने शुक्रवार को जीजीआईसी इंटर कॉलेज परिसर में जनसुनवाई समाधान दिवस का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने सैकड़ों समस्याएं बताई, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग को अधिकारियों को तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि इस दौरान लोगों ने सड़क, बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट और विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया गया, जिसके बाद ही जिलाधिकारियों ने बताया कि नगर निगम के द्वारा प्रत्येक हफ्ते 10 वार्डों के हिसाब से जनसुनवाई समाधान दिवस लगाया जाएगा। साथ ही नैनीताल जिले के दूर स्थानों पर सभी क्षेत्रों में कैंप के माध्यम से लगातार जारी है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नगर निगम के जो 60 वार्ड है उसमें हर 10 वार्ड पर एक कैंप के लिए हम लोगों ने रोस्टर बनाया था, जिसमें 1 से 10 वार्ड का कैंप पिछली बार काठगोदाम में हो गया था। आज दूसरा कैंप हम लोगों ने यहाँ किया था, जिसमें काफ़ी सारे लोग 10 वार्डों से अपने अपनी शिकायतें, समस्याएं लेकर आए। कुछ इंडिविजुअल भी आए, ज़्यादातर सार्वजनिक जो समस्याएं हैं वो लोगों ने आज यहाँ उठाए हैं। विभागीय अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है, कुछ लोगों की समस्याओं के लिए विभाग ने जानकारी भी दी है कि कुछ प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं उनके विषय में बताया भी है। जो व्यक्तिगत शिकायतें थी किसी की समाज कल्याण से है, या आधार कार्ड की समस्या है, या विकलांग प्रमाण पत्रों की समस्या है, इस तरह के मामले भी यहाँ लोग लेकर आए हैं, उनको भी सॉर्ट आउट कराया गया है। आगे भी हम लोग बचे हुए जो 40 वार्ड हैं उन पर 4 कैंप और लगाएंगे। इसके बाद जो जिन वार्डों को हमने कवर कर लिया, उनमें फॉलोअप के रूप में भी छोटे कैंप विभागीय अधिकारियों के साथ प्लान करे जाएंगे।